गोरखपुर विश्वविद्यालय के जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से एक दिवसीय जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के लैंगिक न्याय, दिव्यांगता के पीड़ितों, यौन उत्पीड़न के सर्वाइवर्स के प्रति संवेदनशील बनाने के विषय पर दीक्षा भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने किया। इसके साथ ही मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें कि शामिल होने वाले 250 से ज्यादा न्यायाधीश उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों में करीब 30 न्यायाधीश गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र के रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि न्यायाधीश पीड़ितों को न्याय दिलाते वक्त केवल कागजों के आधार पर ही फैसला न दें। महिलाओं, दिव्यांगता के पीड़ितों, यौन उत्पीड़न सर्वाइवर्स सभी के मामलों में संवेदनशील रहें, उनकी मनोस्थिति को समझते हुए फैसला देने से पूर्व एक बार हृदय से भी जरूर सोचें। संवेदनशीलता की आवश्यकता हर जगह है। तब सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या न्यायाधीशों के पास हृदय नहीं है? बिल्कुल है। जब आपके पास किसी पीड़ित का कोई मामला आता है तो हमें और संवेदनशील होने की जरूरत है। उन्होंने विधि विभाग के छात्रों से कहा कि आने वाला समय आपका है, सेमिनार से सीखें, अपने साथ साथ लोगों को, महिलाओं, दिव्यांगों और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के प्रति जागरूक करें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी न्याय देने के दौरान इन बिंदुओं पर अमल किया जाता है। वहीं कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि इस तरह के सेमिनार वक्त की मांग है, विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थी इससे प्रोत्साहित होंगे। न्यायाधीशों के सेमिनार से जो निकल कर आएगा उससे शिक्षा जगत और विधि के छात्रों को लाभ होगा। अब विधि की पढ़ाई में विद्यार्थियों की तेजी से रुचि बढ़ रही है। देश भर में कई विधि स्कूल खोले जा रहे हैं। नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर, नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली और सिम्बायसिस इंस्टीट्यूट इनमें अग्रणी है। हर गुजरते दिन के साथ आज हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जीएसटी लॉ, कॉपीराइट सरी की क्षेत्रों में विधि विशेषज्ञों की आवश्यकता है। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, एसपीसीटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य न्यायाधीश व विधि के छात्र उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा,
श्री तेज प्रताप तिवारी डिस्ट्रिक्ट जज गोरखपुर रिस्पेक्टेड श्री विनोद सिंह रावत डायरेक्टर JTRI all the respected district judges for participating justices, distinguished resource persons and other invitees, faculty members and students of Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University and media persons, bride and groom, victims or survivors of sexual abuse. I most humbly request now His Lordship Honorable Mr. Justice Siddharth Verma, the Administrative Judge Gorakhpur, who symbolizes life, hope, knowledge, all. Music, art and speech for gender justice and differently abled victims
public survivors of sexual abuse. Versus CBI and another. Siddharth versus Stable Duty and another. And Patan Jamal Bali. I was one of these judges. And I found that following them would change the course of our thinking. So far as the training this is envisaged in Aparna Bhatt and others versus state of Madhya Pradesh and another, which is reported in 2021 Supreme Court page 1492 AIR, I am sure the Judicial Academy will devise speedily the necessary inputs which have to be made part of the training of young judges. Sensitizing would be equally important for all other judges. All other judges. In their continuing educational program for gender sensitization. If I pause here and put a question to myself and also to the audience, why did we necessarily arose for having this topic to have the conference on? एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के 5 जिलों के सारे जजेस ने पार्टिसिपेट किया और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा जी वाज प्रेजेंट हियर और वो जो इस रेंज के हैं तो एक दो पर्पस था एक तो जो जुडिशियल उसके हैं उसको वो करना सिस्टम में जो खासकर चाइल्ड अब्यूज़ और इस पर हो रहे हैं डिसीजंस हो रहे हैं उस पर डिबेट करना उसकी प्रोसीडिंग बनाना और उस पर विश्वविद्यालय ने भी पार्टिसिपेट किया उनके टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमारे विद्यार्थियों को टीचर्स के लिए एक मौका है सीखने का और जजेस से इंटरेक्ट करने का और जजेस को ये मौका है कि ये सब चीज़ पर काम करने का जी पौधरोपण भी किया गया हाँ 3 पौधरोपण जो थे डिस्ट्रिक्ट जज गोरखपुर और जस्टिस वर्मा और डायरेक्टर रावत साहब इन तीनों लोगों ने